तारीख इस्लाम के गुमनाम हीरोज की किस्त नंबर 2 में आप लोग देख चुके हैं कि तैमूर मलिक ने किस तरह मंगोलों को 3 माह तक न सिर्फ रोके रखा बल्कि उनको नाको चने भी चबवाए। इससे पहले कि हम आपको तैमूर मलिक की जिंदगी के आगे के वाकयात बताएं, द लॉस्ट मुस्लिम हिस्ट्री चैनल जरूरी समझता है कि तैमूर मलिक के किरदार को आप सब नाजरीन के सामने अच्छी तरह से रोशनास कराया जाए। काफी नाजरीन इस बात पर इबहाम का शिकार हैं कि शायद वो बादशाह तैमूर लंग है जो हलाकू खान के बाद इसकी औलाद में से मुसलमान हुआ, जिसको लोग बादशाह तैमूर लंग के नाम से जानते हैं, जिसने सल्तनत उस्मानिया से भी जंग की। तो द लॉस्ट मुस्लिम हिस्ट्री चैनल अपने नाजरीन को बताना चाहता है कि ये वो बादशाह तैमूर लंग नहीं है, बल्कि ये 1197 ईस्वी के उस तैमूर मलिक का जिक्र है जो ख्वारज़मी शाही सल्तनत में कोकंद का कमांडर था। ये तैमूर मलिक पैदाइशी मुसलमान तुर्क था, न कि मंगोल। ये वो तैमूर मलिक है जो सुल्तान जलालुद्दीन के साथ चंगेज खान और उसकी औलाद के खिलाफ बड़ी बहादुरी से लड़ा। ये एक तारीखी हकीकी किरदार है जिसका जिक्र किताब ख्वारज़मशाही, अमरीकी मौरख हैरल्ड लियम की किताब चंगेज खान और दीगर मुस्लिम और गैर मुस्लिम मौरखीन की कुतुब में जगह जगह दर्ज है। इस किरदार को आजकल तुर्की ड्रामे जलालुद्दीन शाह ख्वारज़म में भी देखा जा रहा है। अब ये चंद लोगों की जानिब से इस तरह का मनफी प्रोपेगेंडा करना कि ये फर्जी किरदार है, इंतहाई गलत और बेबुनियाद बात है। ऐसे किरदारों को जानना है तो आपको किताबों की खाक छाननी पड़ेगी। आपको ये तमाम तर मालूमात इंटरनेट पर नहीं मिलेगी। आप सबकी आसानी के लिए द लॉस्ट मुस्लिम हिस्ट्री चैनल मुस्लिम और गैर मुस्लिम मौरखीन के इन तमाम कुतुब के हवालाजात लाजमी देता है, ताकि मुस्लिम तारीख को जो मस्ख करने की कोशिश करते हैं, जो मनफी झूठा प्रोपेगेंडा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उनको भरपूर जवाब दिया जा सके। और यही इस चैनल का मकसद है, मुस्तनद हकीकी तारीख तमाम लोगों तक पहुंचे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे तैमूर मलिक सुल्तान जलालुद्दीन के जिहाद में शरीक हुआ, कैसे कई साल बाद अपने बेटे को ढूंढा लेकिन बेटे ने तैमूर मलिक को देखकर क्या कहा, तैमूर मलिक ने ओक्ताई खान के दरबार में क्या कहा, तैमूर मलिक की मौत कैसे हुई। तैमूर मलिक मंगोलों को शिकस्त देने के बाद सीधा सुल्तान अलाउद्दीन शाह ख्वारज़म के दरबार पहुंचा और सारा वाकया सुनाया। सुल्तान अलाउद्दीन शाह ख्वारज़म पर पहली शिकस्त के बाद मंगोलों का खौफ पूरी तरह तारी हो चुका था। सुल्तान ने बजाय मंगोलों से मुकाबला करने के उससे टाल मटोल करता रहा। हालांकि सुल्तान जलालुद्दीन और तैमूर मलिक जैसे लातादाद मर्द मुजाहिद इस खूनी दरिंदों को सबक सिखाने के लिए जज्बाए जिहाद से सरशार थे, लेकिन जब अल्लाह किसी के दिल में खौफ बिठा दे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ही कुछ सुल्तान अलाउद्दीन के साथ हुआ और उसने एक बार फिर गलत फैसला किया और तैमूर मलिक को दूसरी जिम्मेदारी सौंपकर रवाना कर दिया और खुद चंगेज खान से बचते बचते ख्वारज़म की सल्तनत के एक इलाके से दूसरे इलाके तक सफर करता रहा और इसी तरह दुनिया से चला गया। इस दौरान तैमूर मलिक छोटे छोटे दस्तों में छापा मार कर रवाइयां करता रहा। तैमूर मलिक की इन गोरिल्ला का रवाइयों ने मंगोलों की नाक में दम कर रखा था। अमरीकी मौर्रिख हैरल्ड लियम अपनी किताब चंगेज खान में तैमूर मलिक के बारे में लिखता है कि तैमूर मलिक एक बहादुर जरी शुजा तुर्क सरदार था। कोकन में जिस तरह उसने चंगेज खान के बेटे जोजी खान के लश्कर को 3 माह तक न सिर्फ रोके रखा बल्कि उसको नाको चने भी चबवाए, इसके बाद तैमूर मलिक की शुजात के ये किस्से मंगोल और मुसलमानों में यकसा मकबूल थे। यही वजह थी कि उसकी कामयाब छापामार का रवायों और बहादुरी की शोहरत सुन सुनकर दूर दराज के इलाकों से उसके साथ ऐसे बेशुमार सिपाही जमा हो गए थे जो अपने प्यारों का बदला लेने के लिए बेचैन थे। इसी दौरान खबर मिली कि सुल्तान अलाउद्दीन के इंतकाल के बाद सुल्तान जलालुद्दीन ने कमान संभालते ही जिहाद की नफीर आम कर दी।
औरगंज में उनके झंडे तले लातादाद मुसलमान मुजाहिद चंगेजी यलगार से बदला लेने सुल्तान जलालुद्दीन की सिपा में जोग दर जोग शरीक होने लगे। उन्हीं में एक तैमूर मलिक था, जो जिहाद के जज्बे से सरशार लब्बैक कहता हुआ अपनी सिपा के साथ सुल्तान जलालुद्दीन के हाथ पर बैत कर रहा था। सुल्तान जलालुद्दीन औरगंज से खुरासान रवाना हुए तो तैमूर मलिक उनके साथ साथ था। इसके बाद अब हर मार्के में तैमूर मलिक हरावल दस्ते का सबसे मजबूत कमांडर और साथी बनकर उभरा। सुल्तान जलालुद्दीन की बामियान की जंग हो या फिर मारकाए सिंध, तैमूर मलिक हर जगह सुल्तान जलालुद्दीन के शाना बशाना लड़ा। जब सुल्तान जलालुद्दीन ने दरियाए सिंध में घोड़े समेत छलांग लगाई तो तैमूर मलिक भी उन साथियों में शामिल था जिन्होंने दरिया में छलांग लगाई और किनारे पर पहुंचकर सुल्तान के साथ खड़ा रहा। सुल्तान जलालुद्दीन की हिंदुस्तान में हुकूमत की तश्कील के बाद तैमूर मलिक के वाकयात के हवाले से तारीख खामोश है, लेकिन इसके बाद तारीख में शेर दिल का जिक्र सुल्तान जलालुद्दीन की गुमशुदगी के बाद मिलता है। जब तैमूर मलिक दरवेशों के रूप में मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गया और एक तवील अरसा वहीं गुजारा। कई अरसा गुजर जाने के बाद तैमूर मलिक को अपने वतन की याद सताने लगी और फिर चंगेज खान के बेटे ओकताई खान के दौरे हुकूमत में वो वापस आता है तो सब कुछ तब्दील हो चुका होता है। समरकंद और बुखारा जैसे अजीम और शान शहरों की जगह अब बस्तियां दिखाई दे रही थीं। तैमूर मलिक अपने अहलो अयाल और रिश्तेदारों की खोज लगाना शुरू करता है, शायद कोई खुशकिस्मत जिंदा बच गया हो। इसी तरह वो कई साल फरगाना में गुजारता रहा और खुफिया तौर पर कई मरतबा कोकंद का दौरा करता है और अपने अहलो अयाल के बारे में मालूमात और पूछ गछ करता है। और अल्लाह की शान कि वो एक दिन अपने एक बेटे का सुराग लगाने में कामयाब हो गया जो कोकंद पर हमले के वक्त शीर ख्वार था। एक दिन मौका पाकर तैमूर मलिक अपने बेटे से मिलता है और पूछता है, अगर तुम अपने बाप को देखो तो क्या पहचान लोगे? तैमूर मलिक का बेटा इस सवाल पर हैरानगी से उसको देखते हुए कहता है, मेरे वालिद जब मुझे छोड़कर गए थे मैं उस वक्त दूध पीता बच्चा था, भला मैं कैसे उनको पहचान सकता हूँ? हाँ, लेकिन हमारा एक बूढ़ा गुलाम है जो उन्हें पहचानता है। तैमूर मलिक ने गुलाम को बुलाने का कहा। गुलाम आया और आते ही तैमूर मलिक को गौर से देखने लगा। तैमूर मलिक को गौर से देखता जाता और आंसुओं से उसकी आंखें भीग चुकी थीं। वो राह खुदा में जिहाद के लिए घर बार सब कुछ कुर्बान करने वाले अपने आका को पहचान चुका था जो उसके सामने खड़ा था। अजब ही समा था, अचानक से एक बेटे के आगे उसका बाप खड़ा था जिसको आज तक उसने देखा ना था। वो बाप जिस पर जितना फख्र किया जाए कम था, जिसको वो समझता था कि इस जहान फानी से कूच कर गया। अब अचानक कई साल बाद इस तरह उसके सामने खड़ा, आंखों में आंसू लिए उसके माथे पर बोसा ले रहा था। इन दोनों बाप बेटों का यूं इस तरह मिलना किसी मोजज़े से कम न था। तैमूर मलिक की ये खुशियां ज्यादा दिन न चल सकीं। कोकन में तैमूर मलिक की वापसी का सबको इल्म हो चुका था। जवान शेर अब बुढ़ापे की दहलीज पर था, लेकिन उसका रोब दबदबा आज भी वैसा ही था। एक दिन मंगोल सिपाही उसका बुलावा ओकताई खान के दरबार से लेकर उसके पास पहुंचे तो ये जरी बहादुर शुजात का पैकर तैमूर मलिक उसी शान शौकत के साथ ओकताई खान के दरबार में हाजिर हुआ। उसकी बेबाकी और जुर्रत को देखकर ओकताई खान, जो अब खाकाने आजम था, और उसके उमरा ने उसको ओकताई खान की तौहीन समझा। ओकताई खान ने तैमूर मलिक से पूछा, क्या तू ही है तैमूर मलिक? तो तैमूर मलिक ने इंतहाई जुर्रत के साथ इकरार किया और उन तमाम कारनामों को तस्लीम किया जो उसने कभी छापा मार कार्रवाइयों के जरिए तो कभी सुल्तान जलालुद्दीन के साथ मिलकर इन मंगोलों के खिलाफ सरंजाम दिए थे। ओकताई खान तैमूर मलिक की इस तरह बेखौफी से इकरार करना उसके पुराने जख्मों को याद दिलाकर नमक छिड़कने जैसा था, इसीलिए वो इस बेबाकी और जुर्रत को देखकर तिलमिला रहा था। उसने इसी दौरान कोकंद वाके में जो मंगोल कमांडर अपनी आंख खो चुका था और अब
ओक्ताई के दरबार का हिस्सा था, उसको दरबार में बुलाया। उसने तैमूर मलिक को देखते ही पहचान लिया। अब भी ये बूढ़ा शेर दुश्मन के सामने धाड़ रहा था, जो ओक्ताई खान से बर्दाश्त ना हुआ। और फिर वक्त का अजीम जंगजू तैमूर मलिक ओक्ताई खान के हाथों शहीद कर दिया गया। तैमूर मलिक को अहले ताजिकिस्तान आज भी कौमी हीरो का दर्जा देते हैं। इसीलिए तुर्की के इश्तराक से बनाए जाने वाले ड्रामा सुल्तान जलालुद्दीन में तैमूर मलिक का किरदार काफी तफसील से दिखाया जा रहा है।